या रिजल्ट की टेंशन इतनी हमें नहीं होती जितनी पड़ोसियों को होती है, रिश्तेदारों को होती है, ज्यादा टेंशन लेके बैठे होते हैं। यहाँ पे वैसे रिजल्ट के चक्कर में फटी पड़ी रहती है, ऊपर से कोई भी आके ना रिजल्ट पूछ लेगा। उस दिन मैं बाहर खड़ा हुआ तो कौवा आया, कह रहा काव 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 रिजल्ट कैसा आया। मैं कहा मारियो भी चुपचाप अपनी कौवी के साथ उड़ जा, मेरे सामने ड्रामे मत करियो। ऊपर से पता नहीं कौन कौन रिश्तेदार फोन कर देगा, इससे पहले इन्होंने कभी भी फोन नहीं किया होगा। उस दिन मेरे को फोन आया, कह रहे हाँ मैंने आपकी चाची की बुआ का लड़का बोल रहा हूँ। मैंने कहा पर वो तो अभी प्रेग्नेंट है, उनके तो बच्चा नहीं हुआ, तू कैसे आ गया। कह रहे मैं तो पेट से बोल रहा हूँ ना, हाँ रिजल्ट कैसे आया। मैं कहा भी चुपचाप बैठा रहा। ऊपर से लोग अपने बच्चों की इतनी तारीफ करते ना, मेरे बेटे के ना 94% आया और मेरी बेटी के 97% आया। मैं तो क्या उखाड़ लिया अंकल, वो भी यहीं पर है, मैं भी यहीं पर, वो भी टिकटॉक पे प्यारी प्यारी दो अखियां कर रहा है और वो भी पबजी में पोचिंग की में उतर रहा है और आपकी बेटी 60 वाले के साथ सेट बैठी है, कुछ नहीं उखाड़ लिया अंकल। और मेरे पता 12th में कितने आए थे, 64% आए थे, क्या उखाड़ लिया, कुछ नहीं उखाड़ा। किसी में पढ़ाई का टैलेंट होता है, किसी में कुछ टैलेंट होता है, तो टेंशन मतलब खुश रहो। हाँ चिंटू क्या कर रहा है अंकल को जरा रिजल्ट बता रहा हूँ। ये जितने भी लोग एग्जाम में टॉप करते हैं, कम से कम कोरोना की दवाई ही ढूंढ लो, 90% के आचार डालने के लिए लाए थे। बेटा इस बार मुझे एग्जाम में पूरे 90% चाहिए। लेकिन पापा मैं तो 100% की सोच रहा था। मजाक मत करो बेटा। अच्छा शुरुआत किसने की पापा?